सो फाइनली गाइज एक और नई वीडियो लेके आ चुके हैं आप लोग के लिए। देख सकते हैं मतलब कि सीवी रीडिंग, आप लोग बोले थे भाई सीवी रीडिंग पे मतलब वीडियो लेके आओ, और बहुत ही हार्ड मतलब सीवी रीडिंग लेके आई हैं। देख सकते हैं इस टाइप का सीवी रीडिंग कैसे करते हैं, ठीक है भाई। और देख सकते हैं इस टाइप का मतलब अभी तक कम ही लोग बताएं यूट्यूब पर, ठीक है भाई, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और देख सकते हैं इस टाइप का मतलब फेस कैसे करते हैं, ठीक है। और देख सकते कितना HD मतलब फेस स्मूथ हुआ, और फेस देख सकते बैकग्राउंड का मतलब कि हेयर का, और देख सकते काफ़ी अमेजिंग लगता है, ठीक है मेरे भाई। तो इस टाइप का मतलब फेस मतलब कि सीवी एडिटिंग कैसे करते हैं, और अगर ऐसा ही एडिटिंग आप लोगों को भी सीवी एडिटिंग सीखना है तो बस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, और जो जो मैं स्टेप फॉलो कर बताता हूँ उसको फॉलो कीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो सिंपली यहाँ से मतलब कि देख सकते आप लोग बिफोर का आपको मतलब पता लगेगा, ठीक है, मतलब कि पहले कैसा था अब कैसा हो गया, देख सकते हैं। तो सिंपली मेरे भाई अब वीडियो को स्टार्ट करता है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना भाई तो भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अपना चैनल को ओपन कर रहा हूँ, और जल्दी कंप्लीट मतलब कि 6000 कंप्लीट होने वाला, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ देख सकते हैं वो फर्स्ट नंबर पे आता है, और देख सकते हैं रहा मतलब कि मेरा चैनल, ठीक है, आयुष एडिटर, ठीक है। यहाँ से आप जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है मेरे भाई, और जल्दी से 6000 पूरा कर दीजिए, ठीक है मेरे भाई। और क्या एक और रिक्वेस्ट है भाई, देख सकते हैं मतलब 3 घंटे में देख सकते हैं भाई कि 24 व्यू आ रहा है, मतलब क्या भाई लोग क्या सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, वीडियो अच्छा नहीं डालते क्या, या वीडियो डालते हैं तो आप लोग को समझ नहीं आ रहा। तो भाई सपोर्ट करो यार, वीडियो मेहनत तो करते हैं ना बहुत, आपको लोगों को पता है कि एडिटिंग में कितना मेहनत लगता है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है मेरे भाई, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, और सिंपली भाई यहाँ से लाइटरूम में ऐड कर लेना है वो जो फ़ोटो को आप जो मतलब जैसे कि जिसको एडिटिंग आप कर रहे हैं ना उसको उस फोटो को ऐड कर लेना, ठीक है, जैसे कि मैं पहले से ऐड करवा हूँ। और यहाँ पे चलते हैं और पे, और देख सकते हैं ये रहा मेरा फ़ोटो, ठीक है, जिसमें मैं एडिटिंग करूँगा, ठीक है मेरे भाई। तो सिंपली यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा ओरिजिनल फ़ोटो, और सिंपली यहाँ से इसको बैक चलते हैं, ठीक है। और देख सकते ये रहा प्रेशर, ठीक है भाई, इसका मैं लिंक इसका मैं मतलब कि ए फोटो प्रेशर टेलीग्राम में डाल दूँगा, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करना, ठीक है भाई, वहाँ पर मैं आपको डाल दूँगा, ठीक है। सिंपली यहाँ से यहाँ पे कॉपी सेटिंग करते हैं, ठीक है, लाइटरूम का न्यू वर्जन है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से सिंपली यहाँ से कॉपी करते हैं सेटिंग का, और कॉपी करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे इस पे जिस पे यूज करना है उस पे आके यहाँ से पेस्ट करना, जैसे कि मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और देख सकते हैं क्लिक में वो। तो सिंपली ए प्रीसेट सीवी एडिटिंग के लिए, ठीक है मेरे भाई। अगर आप मोबाइल का फ़ोटो एडिटिंग कर रहे हैं ना भाई तो इसको क्या होता है ना, यहाँ लाइट में जाके इसको ब्राइटनेस को ना माइनस कर देना, ठीक है, क्योंकि मोबाइल वाले पे करोगे ना तो भाई बहुत ही उजला हो जाएगा, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपली यहाँ से इसको शेयर करते हैं, और शेयर करने के बाद जहाँ जहाँ ब्लैक ब्लैक है वहाँ पे रिमूव करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से सिंपली चलते हैं स्नैपचैट एप्लीकेशन में, और यहाँ आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करेंगे, और टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से बाकी का काम कर लेंगे जो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या करते हैं यहाँ पे। सिंपली यहाँ से ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे, जहाँ जहाँ आपको मतलब कम लगे तो वहाँ पे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी कीजिए, ठीक है, तब तक मैं यहाँ से कर रहा हूँ, और आपको जितना ब्राइटनेस चाहिए बस उतना ही मारना, ज़्यादा लेकिन ऐसे चलेगा, ठीक है, सीवी एडिटिंग में चलता है, ठीक है मेरे भाई। तो सिंपली यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ब्राइटनेस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो बस मैं इतना आपको बताने के लिए मैं इतना ब्राइटनेस को बस रख रहा हूँ, ठीक है, और ज़्यादा इंक्रीज नहीं करूँगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद देख सकते हैं मेरे भाई, इतना करने के बाद यहाँ पे टूल्स पे आना है, ठीक है, टूल्स पे आने के बाद यहाँ से देख सकते डिटेल में जाना है, और डिटेल में जाने के बाद देख रहे हैं स्ट्रक्चर को कुछ नहीं करना, ठीक है मेरा, और उसके बाद नीचे आना, शार्पनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, इंक्रीज करने के बाद यहाँ से इसको डन करना, और देखना क्वालिटी फ़ोटो का पहले कैसा था अब कैसा होगा, ठीक है। तो सिंपली इतना करने के बाद भाई यहाँ पे आना है HDR में, ठीक है, क्योंकि सीवी एडिटिंग कर रहे हैं ना तो इसको तो डालना ज़रूरी है। तो यहाँ सिंपली इसको ऐड करते हैं, और देख सकते हैं ऐड करने के बाद इसको एडजस्ट करना, ठीक है भाई, एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसको डन करना। तो सिंपली यहाँ से डन करते हैं, डन करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे भाई, यहाँ से बैक चलेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, और इसको व्यू एडिट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से इरेज पे क्लिक करेंगे, और सिर्फ यहाँ से
इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से फेस पे रिमूव कर देंगे, ठीक है। बाल पे रख सकते हो, ठीक है, सिर्फ फेस पे रिमूव करना है, बाल पे रखना है। और यहाँ से हैंड वगैरह पे रिमूव कर लेते हैं। अच्छा है तो शर्ट पे रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते, ठीक है। तो इतना करने के बाद यहाँ से डन करते हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे रिमूव हो चुका है, तो यहाँ से इसको डन करते हैं। और इतना करने के बाद इसको यहाँ से बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद यहाँ से क्या करेंगे भाई, यहाँ से चलेंगे पी कार्ट अप्लीकेशन, वहाँ से क्या करेंगे कि HDR डालेंगे और जो CV बैकग्राउंड होता है वहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको शेयर करते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ चलते हैं पी कार्ट अप्लीकेशन में, तो सिंपली देख सकते हैं आ चुके अपना पिक्स आर्ट एप्लीकेशन में। तो सिंपली यहाँ से क्या करेंगे भाई, यहाँ से इफेक्ट में जाएंगे, ठीक है। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट्स, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं HDR पे क्लिक करना है, और HDR पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इस पर टाइप करना है और इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे इसको ब्लर को माइनस करना है और इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है और सैचुरेशन को माइनस रखना है, ठीक है। फैड को भी माइनस रखना है, ठीक है। इतना पे देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं फेस पे कितना HDR आ गया, ठीक है ना भाई। तो सिंपली यहाँ से इसको डन करते हैं, और डन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कि बैकग्राउंड को तो ब्लर करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो इससे सिंपली यहाँ से फिर से इफेक्ट्स में जाएंगे, और इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे जाएंगे ब्लर में, देख सकते हैं यहाँ पे ब्लर में जाने के बाद यहाँ से ब्लर करेंगे, इस पर टैप करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है, बस 4-5 के आसपास रखना है, कि यहाँ पे जो आया था ना 400 क्वालिटी बैकग्राउंड का गया था उसको हट जाए। सिंपली यहाँ से रिमूव इरेज पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ से बैक यहाँ पे बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। तो इतना करना, यहाँ पे इसको डन करना है, डन करने के बाद यहाँ से फिर से डन करना, और यहाँ से आप चाहे तो यहाँ से हेयर को मतलब कि लंबा कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली मैं करता हूँ, ठीक है। यहाँ से टूल्स पे जाएंगे और स्ट्रेच पे जाएंगे, उसके बाद आपको जितना यहाँ पे लंबा करना है यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे, तो सिंपली मतलब कि इतना रहने देते हैं, ठीक है। और आपको आज जितना चाहिए उतना कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको सिंपली यहाँ से डन करते हैं, और एक मैं PNG यूज किया था उसको मैं यहाँ से अभी ऐड करता हूँ, ठीक है। स्टिकर पे जाके यहाँ से ऐड करता हूँ, तो यहाँ जाएंगे और टेक्स्ट PNG लिखेंगे, उसके बाद वो स्टिकर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐड करते हैं खोज कर, ये देख सकते हैं ये रहा स्टिकर, और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और सिंपली यहाँ से इसको डन करते हैं, डन करने के बाद यहाँ से इतना काम देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, देख सकते हैं कितना HDR आ गया ना। तो सिंपली यहाँ से इसको क्या करेंगे ना भाई, यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे और ले चलते हैं अपना स्केच बुक अप्लीकेशन, वहाँ से फेस स्मूथ करेंगे, ठीक है मेरे भाई। अगर फेस स्मूथ पूरा फुल नहीं आता है ना भाई, तो वहाँ से आप लोग उसका वीडियो मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि तो सिंपली देख सकते हैं फ़ोटो को ऐड कर चुका, ठीक है मेरे भाई। और मैं ब्रश को बताता हूँ कि कौन सा ब्रश इसमें यूज करना, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली यहाँ से ब्रश में आ जाना, ठीक है, और यहाँ से ब्रश को सेलेक्ट करना है। और देख सकते हैं मैं ये ब्रश इस मतलब इस वीडियो में इस ब्रश को यूज करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर सेटिंग आप लोग देख लेना, सॉरी यहाँ पर फिर से क्लिक करते हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग को देख लेना, ठीक है। और ये जो साइज़ को अपने हिसाब से रखना है, बाकी सेम में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से बैक चलते हैं, और यहाँ से आराम से स्मूथ करना, ठीक है। तो देख सकते हैं मतलब कि स्मूथ हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। अगर मतलब कि आपको मतलब कि पूरे अच्छे से तरह से फेस स्मूथ करना नहीं आता, ठीक है मेरा भाई, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, जो मतलब कि फुल मतलब कि विस्तार से बताया गया कि कैसे मतलब कि फेस स्मूथ करते हैं और क्या तरीका रहता है फेस स्मूथ करने का, सही, ठीक है। तो जाके देख लेना, अभी मैं कर रहा हूँ फटाफट।
और शो में रहे भाई। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लेंस मारते हैं ना, क्वेश्चन लगाते हैं, मैं अभी बताता हूँ ठीक है मेरे भाई, कि वो कैसे करते हैं। तो यहाँ से सिंपली यहाँ से जो भी मतलब आपको कलर चाहिए ना, उसको यहाँ से सेलेक्ट करना ठीक है। जैसे कि मेरे को एक कलर चाहिए, मैं यहाँ से सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर क्लिक करना ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो रहता है ना गाइड्स, यहाँ पर इसको क्लिक करना है। और ये देख सकते हैं ये वाला खुलेगा ठीक है। इसको आराम से इतना बड़ा करना है और इसको अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट करके आपको जितना पे चाहिए ना भाई उतना पे मार लेना ठीक है। जैसे कि मैं साइज़ को छोटा कर लेना ठीक है, यहाँ पे 4-5 रखना है। तो देख सकते हैं कितना अमेजिंग लगता है ना भाई। तो सिंपली इस पर भी मारते हैं, तो देख सकते हैं इतना करने के बाद यहाँ से फेस स्मूथ का काम हो चुका है ठीक है भाई। और इस सिंपली यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ से बैक चलते हैं अपना गैलरी में ठीक है। तो देख सकते हैं भाई आ चुके अपना गैलरी में, जो देख सकते हैं यहाँ पे फोटो को सेव किया था देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से सिंपली इसको क्या करेंगे ना भाई, जो हेयर पे ए आया था ना इसको, और इसको बैकग्राउंड को ऑयल पेंट करेंगे ठीक है। जैसे शर्ट का कलर भी मतलब कि शर्ट का भी ऑयल पेंट करेंगे। तो सिंपली यहाँ से इसको शेयर करते हैं टूल बीज एप्लीकेशन में और देखना वहाँ पर जाने के बाद देखना कितना खतरनाक बन जाएगा ठीक है मेरे भाई। तो सिंपली यहाँ आने के बाद इस पर क्लिक करना, देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट में क्लिक करना। और उसके बाद क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे स्मूथ पे क्लिक करना, सॉफ्ट स्मूथ पे क्लिक करना। और यहाँ पे बहुत सारा मतलब कि मिल जाएगा देख सकते हैं, यहाँ पे आप किसी पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। सिंपली मैं 8 वाला सॉरी मैं सिंपली यहाँ से 5 वाला रखूँगा और यहाँ पे मार्क्स पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको मतलब कि जहाँ जहाँ नहीं रखना वहाँ पे, जैसे कि मैं पूरे पे रखूँगा, सिर्फ मैं फेस पे रिमूव कर रहा हूँ ठीक है। और मैं यहाँ से फेस पे रिमूव कर रहा हूँ और बॉडी पे भी, और जहाँ जहाँ मतलब चाहिए वहाँ पे मैं डालता हूँ ठीक है। जैसे कि मेरे को एब्रो पे चाहिए यहाँ पे, और मेरे को यहाँ पे मोच पे चाहिए ठीक है। आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे यूज करना ठीक है मेरे भाई। और देख सकते हैं कितना अमेजिंग लगेगा ठीक है। इतना करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे अभी चाहे तो यहाँ से इफेक्ट को घटा बढ़ा सकते हैं ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे 6 वाला रखेंगे ठीक है। तो यहाँ इसको सिंपली यहाँ से डन करते हैं, डन करने के बाद इसको फोटो को सेव करते हैं ठीक है। यहाँ से सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद यहाँ से सिंपली यहाँ से लाइटरूम एप्लीकेशन में चलते हैं ठीक है मेरे भाई। यहाँ से सिंपली वहाँ चलेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में सेव करते हैं, ऐड करते हैं यहाँ पे ले चलते हैं, और बाकी का काम यहीं होंगे ठीक है ठीक है। तो देख सकते हैं आज भी अपना लाइटरूम एप्लीकेशन में थे, सिंपली यहाँ से एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद यहाँ सिंपली यहाँ से कलर पर जाना ठीक है मेरा, कलर पर जाना मिक्स में जाना और सिंपली सेकेंड वाला कलर पर आ जाना ठीक है। अगर आपको ब्राइटनेस कम लग रहा है ना भाई, जैसे कि उजला कम लग रहा है, तो इसको सेचुरेशन को माइनस करना है और ल्यूमिनेस को हाई करना है। जितना आपको ब्राइटनेस चाहिए उतना इंक्रीज कर सकते हो। सिंपली मेरे को इतना चाहिए तो मैं इतना इंक्रीज किया हूँ ठीक है। और जैसे कि बैकग्राउंड का यहाँ से जैसे कि येलो बैकग्राउंड, तो येलो पर क्लिक करना, आपको जिधर को करना है उधर कर सकते ठीक है। तो मेरे को सिंपली वहीं रखना है जहाँ पहले था। तो सिंपली यहाँ से डन करते, डन करने के बाद यहाँ से इफेक्ट्स में जाएंगे और टेक्स्चर को थोड़ा सा हाई करेंगे ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं और चेंजिंग देख सकते हैं कितना चेंजिंग आ गया। उसके बाद क्लैरिटी को भी थोड़ा सा हाई करेंगे और इतना करने के बाद फिर बिगिनर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं अमाउंट को माइनस करेंगे और उसके बाद देखना भाई क्या गजब का लुक देगा। देख सकते हैं भाई कितना खतरनाक हो गया। उसके बाद डिटेल्स में जाना और देख सकते हैं यहाँ पे शार्पनिंग को हाई करना थोड़ा सा और नॉइस को इतना कर देना ठीक है। और देखना भाई भाई कितना औसम लग रहा है ठीक है ना भाई। तो देख सकते हैं आफ्टर बिफोर का आपको पता लग रहा होगा कितना चेंजिंग आया। और लाइट में जाना है, इसको ब्लैक को माइनस करना है, देख सकते हैं यहाँ ब्लैक को माइनस करना है और साइडों को इंक्रीज करना है ठीक है। और आफ्टर और देख सकते हैं। तो भाई अगर वीडियो आपको अच्छा लगे ना भाई तो प्लीज़ लाइक करना भाई और शेयर जरूर करना ठीक है मेरे भाई। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ठीक है। और मिलते हैं अगला दमेदार वीडियो में ठीक है मेरा। तो तब तक लिए भाई मिलते हैं फिर।